यार जॉन डियर तो निकाल लग रहा था ट्रालिस का, पता नहीं क्या हो गया यार। स्वराज क्या हो रहा है? ट्रैक्टर भी चला गया यार, एक आप और है फिर भी नहीं। ट्राली चल रही किल्ली भर के मेरे ख्याल से ना। यो देखो क्या कर दिया भाई उसका। दो तीन रोहन भाई सारे भाई ना स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई आज ना अपने ताऊ के लड़के की ट्राली फंस रही गन्ने की, गन्ने काम स्टार्ट हो गया यार। मेरे तो भी फोन आया भाई गन्ने की ट्राली फंस रही और ट्राली निकलवाने के लिए आ जाए एक बार। फिर मेरे तो यार ना यार गन्ने का काम भी स्टार्ट हो गया। अब की बार हमने गन्ना लगा रखा है यार, अब की बार हमारा गेहूँ जीरी थी बस, अपना जीरी तो कट गई बस, गेहूँ बो दिया हमने शायद खेत में जाकर अभी तक मन देखा नहीं, इतने इतने हो भी गए वो। कोई बात नहीं भाई, अगले साल बोंगे करना भी। और फिलहाल स्वराज ट्रैक्टर हम लेकर जाना करे ओखड़ा स्वराज ओरा। तो इसकी ना जो फ्रंट वाली जो लाइट है ना आगे की बार लाइट, ये ढिल्ली हो रही यार। तो एक बार इन्ना कस लगा कहीं रास्ते में ये ना गिर जाए। इन मैंने इस साइड तो एल की लगाए और अंदर 10 नंबर की चाबी लगा, 10 नंबर ही पता नहीं 12 नंबर की चाबी लगा। तो एक बार इन्हें टाइट कर लेते हैं और फिर ट्रैक्टर लेकर बाहर चलते हैं। लाइटें तो भाई मैंने कस दी यार, इसमें ना लाइटा में जीबी तरीके की गोटी लग गए, कट गई वो यार ही लगा यार। जोंडरी शो में यूज होया करे। एक सेकेंड हो जा फोकस, याड़ी ये नहीं लगी कोई सी भी, ना या लगी ना या लगी, सिर्फ या लगी। तो एक बार गाड़ी बाहर निकाल दे फिर ट्रैक्टर ने बाहर काटेंगे, क्योंकि इसमें टोचन और ले ला मनो। साइड हो जा, तू मेरे ऊपर पड़ेगी, तू मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, मैं तेरे ऊपर पड़ूंगा। लो भाई अपना टोचन, इन्हें बाद में चढ़ाऊंगे भाई। थार की चाबी पता नहीं यार मैं कटर कबूल गया, ढूंढनी पड़ेगी यार। देखो मेरे बेड का क्या हाल हो रहा है, एक चार्जर, एक डाटा के दूध का कटोरा भी उधर धर रखा, एक और चार्जर और गाड़ी की चाबी यार। ये तो पंगा हो गया यार, गाड़ी की चाबी कटर धर के भूल गया मैं। थार की चाबी होगी भाई, रिया दूसरी चाबी लेगा आ मैं, जो उसके अल्टरनेटिव चाबी होया अगर उसके साथ आ गया। देखो लगा कि नहीं लगा, देखो भाई लगेगी नहीं लगेगी, लग गई। चलो कुछ तो काम आई अभी तो। लिफ्ट भी जोन डियर की गल रही है स्वराज में, जान ज्यादा लगा होगा। टोचन किंग की लिफ्ट गल रही भाई, जान तो अपने आप ज्यादा लगा होगा इनका मतलब। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो भाई ट्राली काट गानी है के, आजा ट्राली आ जा दूंगा। जब भी मैं ट्रैक्टर लेकर तो बाहर जाऊं ना मानो इस तरीके तरीके कर। देखो ओए बाय बाय। पहुंच गया भाई खेत में, और आज काट नहीं दे रहा कल्ला। जॉन डियर तो निकाल लग रहा था ट्राली, इसका पता नहीं क्या हो गया यार। स्वराज क्या हो रहा है, दबदबा कम क्यों बना रहा है यार तू अपना, इतना तो यार सुना वजन भी नहीं यार। ये चार पहिया की ट्राली है ना, इनमें प्रॉब्लम आवा यार, ये थोड़ी लेट निकला है, पता नहीं क्या चक्कर। बम्पर रहा होगा, बम्पर रहा होगा, और एक आप और है फिर भी नहीं।
मजबूत है टूट जाता है। लो भाई ट्राली तो निकाल ली, मैं सौराज की बेइज्जती कर रहा। मैं सौराज तो फालतू जोन डियर जोर लगाओ, सौराज ने बेइज्जती करवा दी। सौराज का छो उठ गया, यो मोस दिया। फिर ट्राली बाग थोड़ी जाके खड़ी कर कहानी गरीब नहीं बन रही सौराज की। आइए शानदार टर्बो मांग रहा भाई सौराज। जो जो भाई कर दे रहा भाई टर्बो, लगता है ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी भाई लड़कों की। अब ट्राली छोड़ दो, थोड़ी बैक आने दे भाई जाने। ये डाट कुछ नहीं डानी, हल्का और पीछे ले ले ले। बस लिफ्ट पर रखे ना, रोक 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 रोक, थाली पर ठा दे। यो देखो क्या कर दिया भाई उसका, जहाज बना दिया जहाज। करता कम वही लो, चलो लोग हमने ट्राली कटवा दे, डरा करेंगे थोड़े तरह मोर। अभी भी डरा है चलो भाई। मतलब जब तक हमारे पास आया है ना, पहली बार ट्राली में जोड़ा हमने यू करने की। आजा दिखाऊंगा भाई ट्राली कितनी बैठती है। मतलब जमीन ज्यादा गिली है, इतनी बैठ भी रही थी ट्राली, लेकिन जमीन ज्यादा गिली है यार यहाँ की। पानी छोड़ रखा था, पूरा खड्डा हो रहा हुआ यहाँ पर। यह जमीन रही, इतना खड्डा हो रहा था यहाँ पर ट्राली फंस रही थी। जो वो ट्राली है ना वो वाली, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आओगी, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम आओ क्योंकि इनमें चार टायर है। लेकिन हमारे खेतों के रास्ते इस तरीके के भाई, वहाँ पर ना ये ट्राली कामयाब हो, वो इतनी ट्राली कामयाब नहीं हो पाती। बाकी यार पता नहीं, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, जब हम खेती करा करेंगे तब मन असली लॉजिक समझ में आओगे। तो मैंने पता नहीं यार ये ट्राली यूज क्यों करा हमारे लोग, वो क्यों नहीं करते, पता नहीं क्या रीजन है। सुच्चे अंदर पूछूंगा। अरे अपने उरे चार पहिया की ट्राली यूज क्यों करा, दो पहिया की ट्राली यूज क्यों नहीं करते भाई। दो पहिया की पढ़ाई होवे पढ़ा ट्रैक्टर पर दावर होवे। फ्यूचर में अगर अपने हाथ में सारा कुछ आवा है, हालांकि भी है, लेकिन अगर अपनी सोच आओ घर का सोचना रहा तो सिंगल एक्सल वाली ट्राली प्रेफर करोगे या फिर चार पहिया ट्राली प्रेफर करोगे। डबल जोड़ा करना है, थोड़ा इसका बेनिफिट स्वाद भी है, बेड लैक अपना और भी काम कर लेगी ज्यादा भी आओ कणक।
खुद रखेंगे ना फिर हमने नॉलेज होगी उस चीज की। चलो फिलहाल भाई ट्रैक्टर लेकर घर पर चलते हैं। अरे एक और चीज थी, ट्रैक्टर हल्के हल्के खड्डे भी खोद रहा था मेरे, थे इं ना फट जाए। तो देखो यहाँ पे मिट्टी लग रही, फटा नहीं, फट गया ठीक है, फिर भी निकाल दगा एक महीना। हाँ निकाल जाए, और कच्चे में नहीं आ रहा है, प्रॉपर हेड लगे ट्रैक्टर सलम मार नहीं आया क्या, फिर चल जाए, फिर तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। उरे कोई दिक्कत नहीं आती है ना, कई ट्रैक्टर रोक के दवा दे मैं उरे खड्डा खुद। हाँ ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर लेकर हम पहुंच गए थे। लेकिन यार एक चीज ना अभी मन नोट करी, यो देखो आप, यो टायर हो गया टेढ़ा, थोड़ा सा उठाया था मैं आपसे भी तभी वीडियो में क्लिप भी दिखा दूं कहां पर उठाया था, ये वाली क्लिप देखो आप, थोड़ा सा ट्रैक्टर उठाया था और उसमें ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, देख लो यार यो हाल है सौराज का यार इसका। बस मैं अभी यार नए तने पंगे छेड़ता, और म्यूजिक सिस्टम का पंगा छेड़ लिया इस, तो म्यूजिक सिस्टम तो बढ़िया ना, कम से कम इसका फ्रंट वाला एक्सल करा लेता वो ठीक रहता, फिर उसमें यार पंजाब जाना पड़ेगा, वहां तो लेकर आना पड़ेगा, उसमें मैंने ज्यादा उसमें एक हफ्ते का टाइम लगेगा। और म्यूजिक सिस्टम का अपना ये थोड़े मतलब वो तो एक दिन का काम है, म्यूजिक सिस्टम का तो अपना एक ही दिन में निपटा है। और ये देख लो टेढ़ा हो गया भाई यू अब, और जो हाँ दूसरी साइड तने ठा नहीं था एक भी टेढ़ा हो गया रोड पर। हाँ देख उरला पहला तो बहुत ज्यादा था है, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन है थोड़ा थोड़ा कम है ना, ओरिजिनल मैं दूर ले गाऊंगा, मैं नहीं चेंज कराता, जिस दिन टूट गया ना खड़ा कर दूं साले ना करा बस। हां बड़ी बात खड़े नहीं गिरा पिया मैं, हां बड़ी बात पीछे मैं लंदा दूर रहा, 1.5 लाख रुपए लगेंगे सीधे बस। चलो मैं ये करेंगे यार, एक बार ना इन लाइटा भी और तार लगा के देख लूं, ये जले भी एक नहीं जल्दी साली देख दूंगे एक बार, कितना बड़ी भी ना हुई रिव्यू तो ले होंगे भाई कितना करंट। एक मिनट बाय वायर तो मैंने इनके लगा दिए सारे सारे के एक, ओए फोन की लफलास बंद करो अपने अपने दूर हो, एक दो तीन, यो यो ये लाइट है भाई देखो खतरनाक लाइट है भाई। तो भाई मैं ये सोच रहा था वो काम ना हो जब खुदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन भाई खुदा पहाड़ लिगड़े हाथी वो काम हो गया, चूहा नहीं लिगड़ा हाथी लिगड़ गया पूरा पूरा, देखो सारी सारा हर एक चीज दिखा रखी भाई, बहुत तेज लाइट है, मैं आंख नहीं खोल पा रहा यार। देखो भाई फिलहाल ये ऊपर ऊपर वाली हेडलाइट चालू कर रखी उन्होंने ये वाली, और इन लाइटों की जो रोशनी है वो आप सभी ने खेत में देखे ली थी, अरे डिफरेंस दिखाऊंगा आपने, वो ऊपर वाले भी जल रही है, इनके ऊपर नीचे वाली और जलाते हैं, यो फर्क है भाई देखो। जिस भाई दोरा भाई आप लगा फोन है, जिसने भाई कैमरे के बारे में नॉलेज है ना पता होगा, जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसमें हमने लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ा कर, जब हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में रात में वीडियो बनाओगे तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट जैसी आओगी, उसमें अंधेरा बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन इस बार मैं अल्ट्रा वाइड एंगल आप कैमरा आप तक करके दिखाऊंगा, और फिर देखियो भाई क्लैरिटी में कुछ फर्क लगेगा नहीं लगेगा, यो सिंपल वो नेक्स्ट कैमरा है, ये हो गया अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में भी आप सभी ने देख लो लाइट पूरी की पूरी दिखाई दे रही, जिन भाइयों ने इस चीज की नॉलेज नहीं उन तो पता नहीं होगा भाई मैं क्या चीज कर रहा, लेकिन जिन भाइयों नॉलेज है ना वो समझ गए होंगे, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में भी पूरी मतलब ट्रैक्टर पूरा दिख रहा है, इतनी रोशनी है लाइटों की। और भाई 3x में भी ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ा कर रहा है, ये बार 3x में और करके देख ले, यू 1x है और 2x है, यू 3x है, तो भाई 3x में भी काफी लाइट की जरूरत पड़ा कर रहा है, लेकिन 3x में भी भाई काफी काम बढ़िया कर रही, बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है भाई लाइटों का, कोई घाटा नहीं होया, बहुत बढ़िया है। और एक लाइट का मैं प्राइस बता दूं भाई 800 से 1200 रुपए के आसपास एक लाइट का रेट है, डिपेंड करा भाई किस जहाँ पाओ, 800 भी हो सके, 900 भी, 1000 भी, 1200 भी, कुछ भी हो सके, बाकी मेरा अपना ये है भाई 1000 रुपए की पड़ रही है, 970 रुपए की एक लाइट आ रही है, और एक दो तीन 4000 की है, और ये 4-5000 रुपए के आसपास की है, 10000 रुपए की लाइट होगी, और अपने पास पड़ी हैं
6000 रुपए की लाइटों का जोड़ा एक पड़ा है। अच्छा 3200 यानी 2200 रुपए की लाइटों का जोड़ा एक पड़ा, मतलब काफी 15-20 हजार रुपए की लाइटें पड़ी हैं घर पर, और उन्हें भी टाइम के साथ साथ ट्रैक्टर पर इंस्टॉल करेंगे। कल जॉन डियर के ऊपर वीडियो आने वाली है, कल वाली वीडियो मिस मत करना। तो मिलते हैं कल उसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।